Yes, good morning class 12th. In our last video, we were discussed about the marketing mix topic, price mix. ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट वॉज मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने मार्केटिंग मिक्स हैज फोर कॉम्पोनेंट्स और उसका हम एक कॉम्पोनेंट जो है वो आज डिस्कस करेंगे दैट इज प्लेस मिक्स. प्लेस मिक्स और वी ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो प्लेस मिक्स रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दीज आर डिसीजंस आर डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. प्लेस मिक्स इंक्लूड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यस क्लास, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेस मिक्स मीन्स इट रेफर्स टू इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब कि आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है ना, किस तरीके से यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कस्टमर्स. तो डिसीजंस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेस मिक्स. अब प्लेस मिक्स में हमारे दो चीजें इंक्लूड होती है. वन इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर इज फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स. फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स राइट. इन दो के बारे में हम इन ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा, कि हम लोग जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द कंज्यूमर, तो देर आर टू चैनल्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है, एक तो होता है जीरो लेवल. जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर इज वन इज जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अनदर हमारा क्या आता है इनडायरेक्ट चैनल्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट चैनल. ये हमारा आता है इनडायरेक्ट चैनल. अब क्या है इसमें, अगर फर्म्स डायरेक्टली गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं टू द कस्टमर्स, फर्म्स खुद ही ठीक है ना एज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स सप्लाई करते हैं टू द कस्टमर, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, नो मिडल मैन. नो मिडल मैन, कोई भी मिडल मैन नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और इफ इन डिस्ट्रीब्यूटिंग मिडल मैन एग्जिस्ट करते हैं मिडल मैन, तो वो हमारा इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. व्हेन नो मिडल मैन देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा कैसे होगा, कंज्यूमर मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिंग द शुगर टू द कंज्यूमर, मैन्युफैक्चर ऑफ टी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिंग द टी टू द कंज्यूमर, मैन्युफैक्चर ऑफ राइस डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिंग राइस टू द कंज्यूमर, मैन्युफैक्चर ऑफ पल्सेस डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिंग द पल्सेस टू द कंज्यूमर. व्हेन मिडल मैन इज अवेलेबल, अगर मिडल मैन अवेलेबल है तो बीच में हमारे मीडिएटर्स आते हैं,
sometimes one mediator, sometimes two, sometimes three. If one mediator is there, means from manufacturer to retailer, retailer to customers. So one middleman हमारा है, that is called one level channel. And if there is two middlemen are there, manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer, retailer to customer, then it is called two level channel. And if there are three middlemen, manufacturer to agent, agent to wholesaler, and wholesaler to customer, then it is called three levels of channel. Now, ये जो हम channel of distribution है, zero या direct या indirect, अगर हम इनका decision ले रहे हैं कि कौन सा channel हमें decide करना है, direct और indirect, तो there are some factors, कुछ factors है हमारे which must be kept in mind before deciding the channel of distribution. तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर. सबसे पहले हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है कि प्रोडक्ट कैसा है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कैसी है. अगर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी हाई और उसमें हम मीडिएटर्स को अपॉइंट कर लें तो मीडिएटर्स भी अपना कमीशन जरूर लेंगे. विदाउट कमीशन तो कोई काम नहीं करता, हर कोई चार पैसे कमाने के लिए काम करता है. तो हम जितने का लेंगे आगे का उतने का तो नहीं बेचेंगे, रेट्स बढ़ाकर बेचेंगे. और वैल्यू ऑलरेडी पहले से ही हाई है और उसमें हमने मिडिलमैन को भी रख लिया तो प्राइसेस और ज्यादा हाई हो जाएंगे कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते, और मे बी फिर वो सामान ना बिके, बेचना मुश्किल हो जाए. तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी होती तो कंपनीज आर ट्राइंग टू सेल देम सेल्फ विदाउट एनी मिडल मैन, क्योंकि जब ना मिडल मैन होंगे ना उनका कमीशन एड होगा ना उसके प्राइसेस और ज्यादा हाई होंगे. फिर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो चीज हम यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो हम उसको यूज कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट एडवाइस की, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट मशीनरी बेच रहे हो तो मशीन में एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है. एक्सपर्ट की एडवाइस, उसकी गाइडेंस, बिना उसकी गाइडेंस के आप चीजों को यूज नहीं कर सकते. तो इस केस में भी यू आर एबल टू यूज डायरेक्ट चैनल, क्योंकि एक्सपर्ट्स एडवाइस तो आपको डायरेक्टली कंपनी से ही मिल सकती है. तो यहां पर भी आपको डायरेक्ट चैनल ही यूज करना है. फिर आता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, पेरिशेबल है या ड्यूरेबल है. अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट है जिसकी लाइफ ही एक या दो दिन होती है बस, दैट्स इट, तो उस कंडीशन में भी डायरेक्टली क्या करता है जो मैन्युफैक्चरर है, डायरेक्टली सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर, डायरेक्टली फ्रेश फ्रेश आइटम्स कंज्यूमर तक पहुंच सके और वो उसे परचेज कर सके. अगर वो फ्रेश नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा, तो उसको नोबडी वांट टू परचेज. बट मिडिल मैन रखने में तो टाइम लग जाएगा ना, मिडिल मैन होलसेलर से रिटेलर पर आया तो इट टेक्स टाइम टू और फोर डेज. तो जो फ्रेश आइटम था इट बिकम्स अनफ्रेश, उसको नो वन वांट्स टू परचेज. फाइन. फिर हमारा नेक्स्ट आता है कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स. कंपनी को भी कुछ देखनी होती है. फाइनेंस, भाई डायरेक्ट सेल करने के लिए कस्टमर तक आपको जगह जगह बड़े बड़े शहरों में अपने खुद के ऑफिसेस, अपने खुद के शोरूम्स खोलने पड़ेंगे. वहां पे स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा, उनका खर्चा उठाना पड़ेगा. तो अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं तो आप डायरेक्ट चैनल का यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप जगह जगह शहरों में अपने स्टोर्स खोलें और वहां पे स्टाफ अपॉइंट करें, उनकी भी सैलरी दे करें, तो फिर आपको इनडायरेक्ट चैनल ही सूट करेगा. फिर डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसको अपने हिसाब से बेचो. मीडिएटर तो अपने हिसाब से बेचता है, उसमें 10 चीजें ऐड करेगा, 10 चीजें माइनस करेगा, तब कस्टमर को बताएगा. इफ यू वांट कि नो वन इंटरफेयर इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी, तो फिर आपको डायरेक्ट ही सुटेबल है. लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा बंदा कैसे बेच रहा है, क्या बोल के बेच रहा है, तो यू कैन यूज इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फिर कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स, कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स मतलब द टाइप ऑफ चैनल ऑफ सिलेक्टेड बाय द कॉम्पिटिटर ऑल्सो, कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं प्रोडक्ट के उन्होंने कौन सा चैनल यूज कर रखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इफ दे आर यूजिंग डायरेक्ट तो आपको भी डायरेक्ट ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्ट का यूज करते हैं तो फिर वही बात आती है कि आपके रेट्स हाई हो जाएंगे, नो वन वॉन्ट्स टू परचेज योर प्रोडक्ट, है ना. फिर मार्केट फैक्टर ऑल्सो यू मस्ट कीप इन माइंड, जैसे कि नेचर ऑफ मार्केट, मार्केट का कैसा नेचर है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में उनका क्या प्रॉफिट होगा, मार्केट का साइज कैसा है. अगर मार्केट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपके लिए डायरेक्ट चैनल का यूज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अगर मार्केट साइज स्मॉल है तो यू कैन इजिली यूज डायरेक्ट चैनल. ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, व्हेन द बायर्स आर कंसंट्रेटेड इन लिमिटेड एरिया, अगर बायर हमारे कुछ लिमिटेड एरिया में ही है तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा चैनल यूज करना चाहेंगे. क्वालिटी कॉन्शियस है बायर या क्वांटिटी कॉन्शियस है, ये सब चीजें वी हैव टू कीप इन माइंड बिफोर डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं. उसके बाद हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है बेटा. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले क्या, अगर हम कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली जहां सामान बनता है वहीं तो कंज्यूम नहीं होगा, पूरे इंडिया में भी कंज्यूम हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी सप्लाई हो सकती है. तो उसके लिए सप्लाई करने के लिए फर्स्ट वी आर रिसीव ऑर्डर. तो फर्स्ट पार्ट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग. ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स
इट मीन्स द टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व, कितना टाइम क्या स्टेप्स है इसमें. आप सबसे पहले कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं, फिर ऑर्डर को कंपनी में लिखवाते हैं, फिर सेल्समैन ऑर्डर को लिखवाने के बाद कंपनी में कंपनी वाले जो उनका चार्ट चेक करते हैं कि जहां से भी ऑर्डर आया उसका क्रेडिट चार्ट तो नहीं, कुछ उधार तो नहीं है, स्टॉक कितना अवेलेबल है, कितना और बनवाना पड़ेगा, ये सब चीज चेक करने के बाद दे आर स्टार्ट पैकिंग द गुड्स. फिर दे आर डिसाइड कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है, बाय रोड और बाय रेलवे. दो ट्रांसपोर्टेशन के मोड है इंडिया के अंदर. जैसे टी प्लांटेशन है, हमारा जो चाय पत्ती है वो हमारे इंडिया में सिर्फ असम में और वेस्ट बंगाल में होती है, लेकिन उसका कंजप्शन ऑल ओवर कंट्री है. तो उसका हमें ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज होगा, कोशिश यही होती है कि ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज करें जिसमें हमें कम से कम खर्चे आए. तो ये सब एडवांटेजेस हमें देखने पड़ते हैं कि किसका कहाँ क्या यूज है. तो रेल ट्रांसपोर्ट, बाय रोड, बाय एयर, बाय पाइपलाइन, बाय वाटर ट्रांसपोर्ट, कौन सा ट्रांसपोर्ट आप यूज करना चाहेंगे. कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमने जब प्रोड्यूस करी है वो तभी एकदम नहीं बिकती है, उसके लिए टाइम लगता है. तो अभी फिलहाल तो बन गया, ऑर्डर है नहीं कहीं बिकने का, तो फिर हम उसको कहां सेव करेंगे, इन द वेयर हाउस. वेयर हाउस में फैसिलिटीज होती हैं चीजों को अच्छे से स्टोर करने की, ताकि वो चीजें खराब ना हो. फिर हमने स्टॉक मेंटेन करा हुआ है, क्यों, ताकि स्टॉक अगर हमारे पास रहेगा जैसे ही डिमांड आए तुरंत हम उसे क्या कर सकते हैं, मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं. तो ये सब हमारे पॉइंट्स हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के. इसके बाद हमारा नया मिक्स स्टार्ट होगा, प्रमोशन मिक्स, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. थैंक यू क्लास.